जय जिनेंद्र। मित्रों सब्सक्राइब कीजिए आपके ही अपने इस YouTube चैनल को, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और देखिए न्यू वीडियोस सबसे पहले। जय जिनेंद्र। मित्रों श्री कृष्ण जी को जैन धर्म में ऐसा माना गया है, श्री कृष्ण जी का जैन धर्म से क्या संबंध था? मित्रों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप जैन धर्म के अनुसार श्री कृष्ण जी की पूरी सच्चाई देखेंगे। आज आप इस वीडियो में देखेंगे श्री कृष्ण जी के जैन धर्मानुसार 7 आश्चर्यजनक फैक्ट्स, जो आपने संभवतः पहले कभी नहीं देखे और सुने होंगे। तो चलिए मित्रों प्रारंभ करते हैं श्री कृष्ण जी से संबंधित जैन धर्म में 7 अद्भुत फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, श्री कृष्ण जी 22वें जैन तीर्थंकर भगवान श्री नेमिनाथ जी के भाई थे, जिन्हें हिंदू शास्त्रों में अरिष्ट नेमी जी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण जी के पिता वासुदेव जी तथा तीर्थंकर भगवान श्री नेमिनाथ जी के पिता समुद्र विजय जी दोनों ही भाई थे। फैक्ट नंबर 2, जैन शास्त्रों में श्री कृष्ण जी को अति विशिष्ट पुरुष माना गया है। जैन आगम में 63 शलाका पुरुष माने गए हैं, जिनमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव एवं 9 प्रतिवासुदेव माने गए हैं। इन्हीं में से भगवान नेमिनाथ जी 22वें तीर्थंकर तथा श्री कृष्ण जी 9वें अंतिम वासुदेव माने गए हैं। इसी कारण से श्री कृष्ण जी को जैन धर्म में विशिष्ट शलाका पुरुष माना गया है। मित्रों बात यदि शलाका पुरुष की जाए तो वह अत्यंत ही तेजस्वी, ओजस्वी, कांतिमान, वर्चस्वी, प्रियदर्शी, हितोपदेशी, मधुरभाषी, अल्पभाषी, सर्वांग सुंदर, अपराजय, गंभीर, सत्यभाषी, करुणा एवं वात्सल्यता से भरे हुए ज्ञानी, ध्यानी आदि गुणों से संपन्न होते हैं। जैन धर्मानुसार श्री कृष्ण जी भी शलाका पुरुष होने के कारण इन सभी गुणों से संपन्न थे। साथ ही श्री कृष्ण जी का गोमाता के प्रति जो वात्सल्य रूपी प्रेम था वह हम सभी जानते ही हैं। फैक्ट नंबर 3, श्री कृष्ण जी के भाई भगवान श्री नेमिनाथ जी प्रारंभ से ही वैराग्य प्रवृत्ति के थे, किंतु श्री कृष्ण जी के प्रयासों से ही भगवान नेमिनाथ जी का विवाह जूनागढ़ के राजा उग्रसेन की पुत्री राजमती अर्थात राजुल से निश्चित हुआ था। किंतु जब बारात नगर सीमा पर पहुंच रही थी तो वहां पर एक बाड़े में बहुत सारे पशु बांधे हुए थे। वह पशु रुदन कर रहे थे। उन्हें देखकर भगवान नेमिनाथ जी ने आश्चर्य से वहां उपस्थित लोगों से पूछा कि यह पशु यहां क्यों बांधे गए हैं। इस पर वहां उपस्थित लोगों ने कहा कि महाराज आपके विवाह में आने वाले अतिथियों के भोजन हेतु यह पशु लाए गए हैं। महाराज इनकी मृत्यु निकट है, इसीलिए यह भय के मारे चित्कार कर रहे हैं। इतना सुनते ही भगवान नेमिनाथ जी करुणा से कांप उठे। उन्हें संसार से वैराग्य हो गया। भगवान नेमिनाथ जी ने तुरंत ही अपने कपड़े एवं आभूषण उतार फेंके एवं अपने विवाह को बीच में ही छोड़कर दीक्षा ले मुनि बन गए। इस पर श्री कृष्ण जी ने भी अपने भाई नेमिनाथ जी को रोकने का प्रयास किया, किंतु अरिष्ट नेमी जी ने संन्यास लेने का मार्ग ही चुना। फैक्ट नंबर 4, एक बार श्री कृष्ण जी अपने भाई नेमिनाथ जी के दर्शन करने हेतु संघ सहित पधारे। उनके साथ हजारों राजा भी भगवान नेमिनाथ जी के दर्शन हेतु आए। दर्शन के बाद भगवान नेमिनाथ जी ने श्री कृष्ण जी को आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद भगवान श्री नेमिनाथ जी ने श्री कृष्ण जी को अपनी मयूर पंख की पिच्छी से उनके मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दिया। मित्रों श्री कृष्ण जी को नेमिनाथ जी का आशीर्वाद इतना प्रिय लगा कि उन्होंने सदैव के लिए अपने मुकुट में मोर पंख को धारण करना प्रारंभ कर दिया था। फैक्ट नंबर 5, श्री कृष्ण जी भगवान नेमिनाथ जी को अपने आराध्य के रूप में भी स्वीकारते और मानते थे। इसी कारण से जैन धर्म के अनुसार ही भगवद गीता में भी अहिंसा को प्रधानता दी गई है, क्योंकि अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, जियो और जीने दो। फैक्ट नंबर 6, मित्रों श्री कृष्ण जी और श्री नेमिनाथ जी दोनों ही महापुरुषों के विचार एवं सिद्धांत एक ही समान थे, इसीलिए दोनों भाइयों में घनिष्ठ मित्रता भी थी। साथ ही भगवान श्री नेमिनाथ जी और श्री कृष्ण जी के समय काल में कुछ प्रसिद्ध महापुरुष और भी हुए हैं, जैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, बलराम, प्रद्युम्न, नकुल, सहदेव इत्यादि। फैक्ट नंबर 7, जैन धर्म में श्री कृष्ण जी की छवि कैसी है और जैन शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जी को जैन धर्म में कैसा माना गया है? मित्रों यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए महापुरुष किसी संप्रदाय विशेष की धरोहर नहीं होते हैं, उनका व्यक्तित्व तो प्रेरणादायक होता है। उन्हें किसी परिधि में सीमित करना उचित नहीं है। सभी का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, सभी अपने अपने विचारों से स्वतंत्र है। मित्रों यदि देखा जाए तो जैन धर्मानुसार श्री कृष्ण जी भी अति विशिष्ट सम्माननीय महापुरुष हैं।
वर्तमान में विचारों से भिन्नता हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण जी भी भावी तीर्थंकर है। श्री कृष्ण जी की सच्चाई यही है कि आगामी 24 में भी श्री कृष्ण जी पूजनीय 12वें तीर्थंकर श्री अमम जी बनेंगे। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, साथ ही जैन धर्म के और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।